दोस्तों, अगर आप भी वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र चंद्र अश्विन को महान गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के लगभग हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने उड़ाया भारतीय टीम का मजाक। जी हां दोस्तों, और कह दिया कुछ ऐसा जो कि आपके भी दिल को दहल उठा देगा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी कर मैच पलट दिया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मैच में हार के करीब पहुंच गई है। ऐसे में भारत की हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए क्या कुछ कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र चंद्र अश्विन में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी का न्यूजीलैंड को 259 रन का ऑल आउट कर दिया। हालांकि इसका पीछा करने आई भारतीय टीम 156 रन पर ऑल आउट हो गई और 103 रन की लीड न्यूजीलैंड की टीम को मिल गई, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में लीड को और भी ज्यादा मजबूत करने का कार्य किया, जहां पर कप्तान टॉम लेथम ने अर्धशतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ काफी बड़ा स्कोर खड़ा करने के साथ ही भारतीय टीम इस मैच के अंदर लगभग हार के करीब पहुंच गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड के तमाम खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें कप्तान टॉम लेथम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सामने हमारी न्यूजीलैंड की टीम ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस मैच में आज मैंने भी शतक लगाते हुए टीम को जीत दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है, लेकिन दूसरी टीम की तरफ से बिल्कुल भी जीतने वाला प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। भारतीय टीम से हमें काफी ज्यादा संघर्ष की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी बिल्कुल खराब प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंद, अकेला एक गेंदबाज कब तक बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस मैच को हारने के लिए तैयार हो चुकी है, ऐसे में अब भारतीय टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। तो वहीं मिशेल सेंटनर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम का काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारी टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और हमने भारतीय टीम को उसकी असली औकात दिखाने का कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने आके बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर अगर सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम को जीत मिल सकती, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय टीम को फिलहाल स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत अभी तक हमारी जैसी मजबूत टीम से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो वहीं रचिन रविंद्र ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर बल्लेबाज ने एक बार फिर से खराब प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से भारतीय टीम के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से बल्लेबाज भी अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करें तो मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में तो बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, साथ में गेंदबाज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि एक खिलाड़ी पता नहीं कैसे टीम को जीत दिला सकता है, मेरा मानना है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को टेस्ट से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वहीं डेवोन कानवे ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से कोई एक या दो बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, बल्कि सभी बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन कर सभी को निराश कर दिया है। मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम को आने वाले समय में काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है और इसमें भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम काफी ज्यादा कमजोर टीम है और वो अब सिर्फ कमजोर टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करती है, मजबूत टीम के खिलाफ भारत का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती है या फिर नहीं, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।